नमस्कार दोस्तों एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में जो हमारा बीजेटी है उस बीजेटी में थर्मल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखते हुए पावर डी रेटिंग का उसको हमने प्लॉट किया है और उसी प्लॉट्स को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे तो दोस्तों ये कुछ प्लॉट ऐसा है वाई एक्सिस पे आपका पावर रेटिंग है यानी जो आपकी पावर डिसिपेशंस है कलेक्टर जंक्शंस पे वो दिखा रखा है एक्स एक्सिस पे आपका वेरिएशन इन टेम्परेचर है तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब हमारा एम्बियंट टेम्परेचर है उस पॉइंट पे यहाँ मैक्सिमम पावर डिसिपेट्स होती है कलेक्टर जंक्शन ऑफ बीजेटी लेकिन दोस्तों यहाँ के बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है तो हमारी पावर डिसिपेशन रिड्यूज होना स्टार्ट हो जाती है राइट तो इस केस में जो पी डी मैक्स मैंने लिखा है वो है मेरा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन टी ए जो लिखा है ये दोस्तों मेरा एम्बियन टेम्परेचर है इसको फिक्स मान के चलते हैं जैसे हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं ऐसे ही बीजेटी के लिए हम एम्बियन टेम्परेचर की बात करते हैं जहां BJT अपने आप को अच्छी परफॉर्मेंस दे सके अब दोस्तों ये जो है मान लीजिए आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जो किसी भी कलेक्टर जंक्शन पे ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो आपका टी जे मैक्स है जंक्शन टेम्परेचर ठीक है अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि टेम्परेचर जब हमारा कम है मान लीजिए ये टेम्परेचर है और यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है इस एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर अगर कम है तो दोस्तों हमारे जो जंक्शन है हमारा कलेक्टर जंक्शन वहाँ पे जो पावर रेटिंग है वो हमारी क्या है लार्ज है देख लीजिए यहाँ पावर रेटिंग हमारी ज़्यादा है लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को हाई कर दूँ वो मेरे हाथ में तो है नहीं बाय द चांस आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उस केस में जो पावर रेटिंग है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी तो दोस्तों डेफिनेटली ये जो पावर रेटिंग है ये रिड्यूस होगी इसका मतलब मैं क्या कहूँगा अगर पावर रेटिंग रिड्यूस हुई तो इसका मतलब इसे हमें क्या बोलूँगा ये आपका पावर डी रेटिंग होगा और यही पावर डी रेटिंग क्या है पावर डी रेटिंग कारम बिकॉज इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एट दी कलेक्टर जंक्शन ऑफ बीजेटी तो जो पावर डिसिपेशन या जो पावर रेटिंग एट कलेक्टर जंक्शन है वो आपके रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी अब दोस्तों पॉइंट की बात करते हैं ये जो लाइन है इस लाइन का जो स्लोप है हम उसमें इंटरेस्टेड हैं इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा स्लोप क्या होता है दोस्तों चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस तो दोस्तों इसका मतलब पहले ये चेंज देख लेते हैं ये फाइनल वैल्यू है ये इनिशियल वैल्यू है इस फाइनल वैल्यू पे जीरो इस इनिशियल वैल्यू पे पी डी मैक्स यानी जीरो माइनस पी डी मैक्स ये आपका वाई एक्सिस पे चेंज है डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस पे चेंज माने इस पॉइंट पे टीजे मैक्स माइनस टी ए ओ टी जे मैक्स माइनस टी ए ओ अब इस स्लोप के बाद अगर मैं वन अपॉन स्लोप लिखूँ तो क्या होगा यहाँ देख लीजिए अपॉन स्लोप यानी इसका रेसिप्रोकल मैं फाइंड आउट करूं तो क्या होगा दोस्तों ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी ये वैल्यू नीचे आ जाएगी तो ये क्या होगा टी जे मैक्स माइनस टी ए डिवाइडेड बाई पी डी मैक्स अब नेगेटिव साइन भी है लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे तो इसका सिर्फ मॉडुलस चाहिए तो नेगेटिव साइन नेगेटिव वन और पॉजिटिव वन अगर मैं मॉडुलस लूँ तो दोनों सेम चीज़ हैं क्योंकि नेगेटिव साइन हट जाता है तो दोस्तों जो वन अपॉन स्लोप है मेडुलस में वो बनेगा आपका चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय पीडी मैक्स इससे जस्ट पहले वीडियो में हमने देखा था ये एक्सप्रेशन किसका होता है थर्मल रजिस्टेंस का तो इसका मतलब जो थर्मल रजिस्टेंस है वो आपका वन अपॉन स्लोप मॉडुलस होगा यानी पावर डी रेटिंग का जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल वैल्यू आपका थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू होता है तो दोस्तों यहां से ये यह आपका थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू है अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो बीजेटी है इस बीजेटी में थर्मल रनवे होता है ओवर हीटिंग की वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट या सेल्फ आपका डैमेज हो जाता है बीजेटी क्या हम इस कंडीशन को रोक सकते हैं तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कंडीशंस टू प्रीवेंट दर्मल रन वे थर्मल रन वे कंडीशंस को अवॉइड uh, करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है वो ये है दोस्तों इसको मैं आपको इन डिटेल बताना चाहूँगा ये आपका बीजेटी है अमीटर बेस कलेक्टर बेस कलेक्टर के बीच में हमारा कलेक्टर जंक्शन है डेल्टा पी सी बाई डेल्टा टी जे ये है दोस्तों पावर जनरेटेड एट कलेक्टर जंक्शन डेल्टा पी डी अपॉन डेल्टा टी जे ये है आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम बी जे टी टू सराउंडिंग्स अगर दोस्तों यहाँ पे आपकी हीट जनरेट हुई ये हीट टेम्परेचर में जो सराउंडिंग्स है एयर वहाँ पे आपने ट्रांसफर कर दी अगर हीट सराउंडिंग में ज़्यादा ट्रांसफर हुई और यहां कम जनरेट हुई तो डेफिनेटली कलेक्टर जंक्शन का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा तो डेफिनेटली हमें यह देखना होता है कि जो हमारा हीट ट्रांसफर है टुवर्ड्स द सराउंडिंग वो डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए इसकी वजह से क्या होगा बीजेटी का जो टेम्परेचर है कलेक्टर जंक्शन पे वो कंट्रोल में आएगा ओवर हीटिंग नहीं होगी जिसकी वजह से बीजेटी सेल्फ डिस्ट्रक्ट या सेल्फ डैमेज नहीं होगा ठीक है तो दोस्तों जो करली पी डी अपोन करली टी जे है वो क्या है वो हमारा वन अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होता है इससे जस्ट पहले वीडियो में हमने ये एक्सप्लेन कर लिया है तो दोस्तों इन टर्म्स ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस हमारी ये कंडीशन बनती है कि द पावर जनरेटेड एट कलेक्टर जंक्शन मस्ट बी लेस देन द रेसिप्रोकल वैल्यूज ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस राइट तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखो नेक्स्ट है दोस्तों कोई भी हमारा बीजेटी सर्किट्स है उसमें अगर थर्मल रनवे को आप अवॉइड करना चाहते हो तो डेफिनेटली क्या होगा बीजेटी को आपको एक्टिव रीजन में रखना पड़ेगा अगर बीजेटी सेचुरेशन रीजन में चला गया तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ज्यादा करंट होगा तो इसका मतलब पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी इसका मतलब वो ओवर करेगा तो किसी भी बीजेटी को आप लीनियर या एक्टिव रीजन में रखेंगे तो उसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारी डीसी बाइसिंग एनर्जी है वी सी सी एग्जैक्टली उसके हाफ से कम हमारी कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज होना चाहिए मान लीजिए ये आपका क्या है आ, बीजेटी है ये आपका बीजेटी है राइट ये कलेक्टर है ये अमीटर है ये आपके कलेक्टर टू अमीटर है और दोस्तों यहां डेफिनेटली कुछ हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं आरसी और यहां हम अप्लाई करते हैं वीसीसी। तो इस आर सी को ऐसे सेलेक्ट करो आप ताकि वी सी ई हमेशा इस एक्सटर्नल डी सी बाइसिंग के एग्जैक्टली exactly हाफ से भी कम हो अगर इसके हाफ से भी कम होगा तो ये दोस्तों आपका हमेशा एक्टिव रीजन में रहेगा और एक्टिव रीजन में आप क्यू पॉइंट को क्या करोगे स्टेबल करोगे क्यू पॉइंट स्टेबल होगा तो इसका मतलब दोस्तों जो आपका कलेक्टर करंट है वो भी कॉन्स्टेंट ही होगा जिसकी वजह से आपका ओवर हीटिंग नहीं हो सकता तो दोस्तों ये आपके जो लास्ट तीन वीडियोस थे ये थर्मल रनवे और इन सब के ऊपर थे अब नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे दोस्तों अगर आप मेरे पीडीएफ नोट चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर सकते हो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो